हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडा। आज हम बात करने वाले हैं जापान की 10 बेहतरीन रोमांटिक एनिमी मूवीज के बारे में, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बनी है और आपको स्टार्ट टू एंड एंटरटेन करेगी। ये लिस्ट मैंने IMDb रेटिंग के आधार पर बनाई है और इस लिस्ट में मैंने सिर्फ उन्हीं मूवीज को इंक्लूड किया है जिन्हें बहुत ही कम लोगों ने देखा है, लेकिन ये सभी मूवीज एक से बढ़कर एक है। तो काउंटडाउन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि मेरा काम जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज का टॉप 10 काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर जो मूवी है, इसमें का नाम है फायरवर्क्स। ये 2017 में आई रोमांटिक ड्रामा एनिमी मूवी है, जो कि वन टाइम वॉच मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 5.5/10 और 84% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो नंबर 9 पर जो मूवी है, इसमें का नाम है फ्लेवर्स ऑफ यूथ। ये 2018 में आई रोमांटिक ड्रामा एनिमी मूवी है, जो कि वर टची मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.6/10 और 81% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की मूवी इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, साथ ही मूवी अनऑफिशियली हिंदी में भी अवेलेबल है। तो नंबर 8 पर जो मूवी है, इसमें का नाम है हेल। ये 2013 में आई साईफाई रोमांटिक एनिमी मूवी है, जो कि मस्ट वॉच मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 6.8/10 और 92% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो नंबर 7 पर जो मूवी है, इसमें का नाम है मिराई। ये 2018 में आई फैंटेसी एडवेंचर एनिमी मूवी है, जिसे आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए और इसकी IMDb रेटिंग है 7/10 और 82% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है। तो नंबर 6 पर जो मूवी है, इसमें का नाम है चिल्ड्रन वॉचेस लॉस्ट वॉइस। ये 2011 में आई फैंटेसी रोमांटिक एनिमी मूवी है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2/10 और 83% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की मूवी हिंदी सबटाइटल के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो नंबर 5 पर जो मूवी है, इसमें का नाम है पाठिमा इन्वर्टेड। ये 2013 में साईफाई एडवेंचर एनिमी मूवी है, जो कि वन टाइम वॉच मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.4/10 और 89% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो नंबर 4 पर जो मूवी है, इसमें का नाम है द गार्डन ऑफ वर्ड्स। ये 2013 में एक डिफरेंट टाइप की रोमांटिक ड्रामा एनिमी मूवी है, जो कि वर टची मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.5/10 और 93% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो नंबर 3 पर जो मूवी है, इसमें का नाम है 5 cm/s। ये 2007 में रोमांटिक ड्रामा एनिमी मूवी है, जो कि मस्ट वॉच मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.6/10 और 89% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की मूवी हिंदी में अवेलेबल है। और नंबर 2 पर जो मूवी है, इसमें का नाम है स्वॉर्ड ऑफ स्ट्रेंजर। ये 2007 में ही एक्शन एडवेंचर एनिमी मूवी है, जिसे आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8/10 और 92% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो फाइनली बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 पर जो मूवी है, इसमें का नाम है प्रिंसेस मोनोनोके। ये 1997 में फैंटेसी एडवेंचर एनिमी मूवी है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए और इसकी IMDb रेटिंग है 8.4/10 और 95% गूगल यूजर ने लाइक किया है। कमाल की मूवी इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, साथ ही मूवी अनऑफिशियली हिंदी में भी अवेलेबल है। तो आज का मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना।